ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। ये हाथरस में हुए गैंगरेप और पुलिस के साथ चली नूरा कुश्ती की तस्वीरें। उस वक्त तो तरह तरह का एंगल निकाल कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब सीबीआई ने पुलिस और सरकार दोनों की दिक्कतें ही बढ़ा दी। जी हाँ, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गैंगरेप और पीड़िता के साथ हुई मारपीट की पुष्टि की है। इसके साथ ही सीबीआई ने बहुत कुछ ऐसा दर्ज किया है जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना है और ना ही देखा हो। आखिर क्या लिखा है सीबीआई की चार्जशीट में, ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अपनी बेटी को आखिरी बार देखने की ख्वाहिश में ये बुजुर्ग महिला किस तरह से रो रोकर पुलिस के सामने मिन्नतें कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। यकीनन ये तस्वीरें समय के साथ पुरानी और धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन उस खौफनाक वारदात की इबारत आज भी इलाकाई लोगों के जहन में ताज़ा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड में सीबीआई ने कल यानी शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने SC ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि सीबीआई ने 22 दिसंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। इस चार्जशीट में हाथरस केस के चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की बात मानी गई है। इस चार्जशीट में रामू, रवि, संदीप और लवकुश इन चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पीड़िता के परिवार वालों को गांव में बदनाम करने के लिए पंचायत होने लगी, जिसमें यहां तक कहा गया कि पीड़िता के भाइयों ने ही उसे पीट पीट कर उसकी हालत बद से बदतर कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन आखिरकार सीबीआई की जाँच पड़ताल के बाद दायर की गई चार्जशीट ने सभी के मुँह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। पीड़िता के परिजनों ने तो इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब लगता है कि पीड़िता को जल्द ही इंसाफ मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।